एम का मतलब होता है मेगाहर्ट्ज, अगर के आ गया तो किलो हर्ट्ज, तो ये मेगा बोले तो सबसे बड़ा, तो ये कंट्रोल सेक्शन है। कौन सा है? कंट्रोल सेक्शन। थोड़ा वो आईसी का ब्लॉक खोले थे ना, जरा बताओ मेरे को सबसे पहले जो लिखे थे अपन ब्लॉक वाला, कोई अच्छा बनाए इधर लाओ भाई थोड़ा। कितने हैं इसमें, इस पावर में कितने ब्लॉक्स मिले अपने को? छह। थोड़ा बोलो भाई कौन से देख के बताओ। फर्स्ट ए में क्या है? ऑडियो सेक्शन, ठीक है। बी सेक्शन कंट्रोल सेक्शन, ठीक है। सी सेक्शन जीपीआईओ, ठीक है। डी सेक्शन वीआरईजी वन बक एंड कोर कॉइल, ठीक है। ई सेक्शन वीआरईजी टू एलडीओ सप्लाई, ठीक है। एफ आके ग्राउंड सेक्शन। वाह, इनके लिए जोरदार क्लैप्स। सब लोग बनाए ये? कोई अच्छा फेयर बताए क्या ऐसा बना सके, ऐसा कोई बनाए तो में से आपका बता दो, आप भी अच्छा बनाए। देखो इनका भी अभी लिख लिया ये? हाँ सर। ठीक है चलो, अब ये जो पढ़ रहे हम, इससे पहले जो देखे, पहले ऑडियो सेक्शन देखे आप, उसके बाद ग्राउंड तो देखने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड के तो सारे ग्राउंड पिन से। जीपीआईओ देखे अभी, उससे पहले बक सेक्शन देखे अपन। तो इस वाले पावर में, बक में जो कॉयल यूज करा यहाँ पे, ठीक है, तो कितने कॉयल यूज करा भाई? तो छह कॉयल है, तो उस बक सप्लाई के नाम बताओ थोड़ा सा, क्या क्या लिखे थे अपन ने? हाँ वेरी गुड, कहाँ तक था? तो एस का मतलब क्या हुआ? स्विचिंग सप्लाई। क्या हुई? तो यहाँ पे लो वोल्टेज और क्या बनता है? हाई एम्पियर। क्या बनता? लो वोल्टेज और अब ये बताओ यहाँ पे जितने भी कॉयल है, कौन सा एस वन है, कौन सा एस टू है, बता सकते हैं सब लोग? कहाँ पे कितना वैल्यू का कॉयल है बता सकते हैं? यस सर नो? वहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए बता सकते हैं? तो अभी आज की क्लास से पहले मालूम था क्या यहाँ पे सबके पास बना हुआ है? अगर ये पावर की जगह कोई और पावर दे दूं तो बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। अभी मैं सुबह में बताया आपको अलग अलग बोर्ड्स में कितने अलग अलग कॉइल्स थे, अब इसमें कितने? छह। दूसरों में कितने मिले थे अपने? नौ भी मिले, सब में अलग अलग थे। तो अब ऐसा जो डायग्राम रीड करना सीखे, ऐसा दूसरे डायग्राम का रात में बना के ला सकते हैं ना सब लोग? कॉइल का वैल्यू मालूम है अपने को, कॉइल का कितना वोल्टेज आ रहा वो मालूम है, और कौन से कॉइल से किधर सप्लाई जा रहा पता है? क्या सारे सीपीयू को जा रहे? क्या नहीं जा रहे? अच्छा, कॉइल का एक साइड शॉर्टिंग आई, दूसरी साइड शॉर्टिंग आई, वैसा कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं है ना भाई, अपने को मालूम होना चाहिए किधर है तो शॉर्टिंग, कौन सा सीपीयू उठाना है या पावर उठाना है, पता है आपको? सीपीयू उठाना है या पावर उठाना, कब सीपीयू उठाना है, कब पावर उठाना है? यहाँ पे शॉर्टिंग आ जाए कॉइल के पास, तो क्या खाली कॉइल निकालने से मालूम हो जाएगा क्या? कंफर्म नहीं होता भाई, उसको देखना पड़ेगा अपने तरीके से। 50-50 में अपन तीन लिखे थे याद है? क्या यहीं पे शॉर्टिंग मिलेगा क्या? तो वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें एस वन एस टू कौन सा है पता है ना अपने को? अच्छा, इसमें से देखो छः कॉइल थे हमारे स्विचिंग के। चलो सबसे पहले एस वन का बता दो क्या है। नहीं वैल्यू नहीं बताना, सिर्फ सप्लाई का नाम बता दो। MSM मॉडेम का सप्लाई। चलो S2 कोर एंड ग्राफिक। चलो S3 अब लोअर LDO हो सकता है, यहाँ पे देखने वाले बहुत सारे भाइयों को नहीं मालूम, आपको पता चल गया? लोअर LDO कितना डीप में पड़े आप? ठीक है, बहुत डीपली पड़े। कब बनता है, उसको पहले इनपुट क्या चाहिए, और वो कितना कितना वोल्टेज निकालेगा, और इसमें कितने LDO है, टोटल कितने LDO मिले? तो 23 LDO में कितने LDO लोअर LDO से बन रहे, सबको पता है? बताना नहीं है? यस सर नो? बता सकते ना? इसके बाद नेक्स्ट क्या बना S4 में? अब ये बताओ 23 LDO इसमें मिले, तो इसमें कितने LDO हायर LDO से बन रहे पता है? बताना नहीं है? यहाँ आए तो बताएंगे। अभी पहले मालूम था क्या आपको? ये YouTube पे कहीं मिला क्या साहब? कितने LDO इतने से बन रहे, कितना वोल्टेज आना है, एम्पियर क्या आना, नहीं मालूम। तो हम 23 LDO को बता सकते हैं? LDO 1 किससे बना, LDO 2 किससे बना, LDO 3 किससे बना, LDO 23 तक बता सकते हैं? S5 का बताओ, S5 और 6 दोनों मिलके है, वो किसके लिए बन गया? APC की सप्लाई है, ठीक है। S5 और 6 दोनों सेम ही है। अब इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा इस तरफ बताना, ये जो सेक्शन था हमारा, ये कौन सा सेक्शन है बता सकते हैं? आवाज कौन सा सेक्शन? बक एंड कोर सेक्शन। अगर इसके बाद में नेक्स्ट कर दूं, ये वाला कौन सा है?
वी आर ई जी कौन सा है, वन के टू? वी आर ई जी टू एलडीओ सेक्शन कौन सा है? तो ये एक एक लाइन के बारे में पढ़े आप, कौन सा लाइन किधर जा रहा है, ठीक है? देखे ना, क्या इनपुट में, ये तो 23 एलडीओ बाहर तो बन रहे, क्या इनपुट में इधर सबको क्या वीपीएचई मिला क्या? नहीं, नहीं, अभी तक तो यही पढ़ते थे सबको वीपीएच दे दो काम हो जाता, क्या यहाँ पे वीपीएच मिला क्या? तो पावर सेक्शन समझ में आया आपको? अभी एक और सेक्शन हमारा बाकी है, वो कौन सा है? कंट्रोल। तो ये हम क्वालकॉम का बूट सीक्वेंस, पावर बूट सीक्वेंस देख रहे हैं, कौन सा बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है? ये कौन सा है? ये क्वालकॉम का, मीडियाटेक में कुछ और तरह का बनता, तो ऐसा डिटेल में नहीं, बहुत सारे लोग वीडियो डाले हैं लेकिन वो सिर्फ वोल्टेज कहाँ बन रहा है, कितना बन रहा है डाल रहे हैं, लेकिन कैसा बन रहा है, कब बन रहा है, पहले उसको इनपुट में क्या चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये पहले इनपुट सही रहेगा तो आउटपुट बनेगा। अभी आपको ये भी बताया मैं कि जो शॉर्टिंग होने की वजह से एलडीओ नहीं बनता हमारा, तो उसमें फिर क्या चेक करना है अपने को, ठीक है? इतना डिटेल में कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा मोबाइल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना भाई। अपने को कॉइल का वैल्यू मालूम है, कॉइल पे कितना वोल्टेज आना वो मालूम है, वोल्टेज कब आना वो भी मालूम है। बहुत सारे लोगों को वोल्टेज आता कब बनता कब वही नहीं मालूम, तो फिर बना सकते क्या मोबाइल? नहीं, नहीं, बना सकते नहीं बना सकते ना। तो अभी तक कितने दिन हो गया हमारे को? नौ दिन में जो आप आए थे लेवल पहले क्या था और अब कितना चेंजेस आया? बहुत आया चेंजेस। कितने लेवल तक पहुंचे अभी अपन? पावर रिवॉल्व कर ले रहे हैं, डीपी कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ब्लैक पेस्ट कैसा लगा ट्रिक? इजी खोल रहे हैं सब? खोले कौन कौन खोल लिए, थोड़ा हाथ उड़ा के बताओ, पूरे खोल दिए? डैमेज तो नहीं कर दिए बोर्ड वोर्ड सीपीयू यूपीयू? अभी कितने बोर्ड में खोले आप? दो बोर्ड। अगर 200 बोर्ड खोल दें तो ईमानदारी से बताओ भाई, तो 2 बोर्ड 4 बोर्ड 10 बोर्ड में मास्टर बनते हैं क्या कोई? लेकिन वो करना कैसा है, तरीका मालूम रहे। देखो तरीका नहीं मालूम 500 बोर्ड भी खोल दे रहे, 500 के 500 डैमेज हो रहे, तो कुछ फायदा है क्या? और तरीका मालूम रख के खोलेंगे तो होता। अभी देखो एक बड़ा सा बोर्ड लग के कहीं पे, समझ रहे, उसको उसी के पानी से खोलना पड़ता है, मालूम आपको? अगर प्लेट से खोलने गए तो उसको उसके जो ऊपर जो ट्रेड्स रहते हैं खराब हो जाते हैं। जैसा हमारा मोबाइल ही है, अपन जो स्टार है उसी से खोलेंगे तो खुलता, दूसरे से खोलने गए तो क्या होता, समझ रहे? वो भी स्क्रू ड्राइवर है, ये भी स्क्रू ड्राइवर है, खोलना ही है, लेकिन अगर जो टूल यूज़ कर रहे हैं आप गलत टूल यूज़ करेंगे तो नहीं खुलता ना भाई। तो ये तरीका मालूम होना है। अभी तक कितने दिन हो गए अपने को? 9 दिन। कैसा रहा सफर अभी तक का? बहुत अच्छा। अभी कितने दिन? 11 दिन और बाकी है, जिसमें पूरा 15 तारीख तक, मतलब 15 दिन पूरा हार्डवेयर करेंगे, फिर बाद में सॉफ्टवेयर का काम सीखेंगे। अभी तक कुछ ऐसा लगा क्या प्रॉपर नहीं सिखा रहे, हाइड कर दे रहे, छुपा ले रहे? कैसा बता रहे भाई? एक मैं 2-4 जनों से पूछूंगा, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस दो आप में से, ठीक है? थोड़ा इसमें बता दो, एक दो अल्फाज आप, फिर माइक पास कर देना पीछे। जब पहले आया था सर, मैं आईसी रिवॉल्विंग वगैरह स्केमेटिक रीडिंग बिल्कुल नहीं आता था सर, अभी बहुत अच्छी तरह से रीड कर सकता हूँ। कहाँ से आप वैसे? कर्नाटक से, बेलगाम से सर। कर्नाटक से, कैसा रहा अभी तक का सफर? बहुत अच्छा। आप 2-3 बार आने की कोशिश करें। जी सर। फाइनली अभी आ गए। जी सर। दूसरा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं गए आप अभी तक, इतने सारे हैं इंडिया के अंदर? नहीं सर, मैं 2-3 जगह बात किया था लेकिन मुझे उतना खास नहीं लगा सर, फिर मैं आपकी वीडियोज वगैरह देखा तो मुझे फीडबैक अच्छा मिला सर लोगों। यहाँ पे कोई फेक वीडियो तो नहीं बनाते? नहीं 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 सर, पैसे देके बोल दो ये बोल दो ऐसा तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, आप अपनी मर्जी से दिल में जो है वही बता रहे ना? हाँ सर, हाँ सर, जो सोच के आए थे मिल रहा है? जी सर बिल्कुल। इनके लिए एक बार क्लैप्स, दो अल्फाज बताओ आप क्या बोलना चाहेंगे, कोई आना चाह रहे बच्चे? सर पहले तो मैं सिर्फ माइक और चार्जिंग पिन वगैरह बना लेता था, अब रिबॉलिंग भी कर लेता हूँ, ब्लैक पेस्टेड भी निकाल लेता हूँ और वाइट पेस्टेड भी कल निकाला सर। पहले दिन से अभी तक बहुत फ़ायदा हुआ सर, बहुत कुछ डीपली सीखने को मिला सर। जी सर बहुत बढ़िया सर बना रहे। थोड़ा बता सकते हैं? थोड़ा माइक पकड़ना उनका। ये मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम, ये आजकल किसी से नहीं बना रहे स्टूडेंट को, खाली फोटो दे रहे, जाके हम बाद में देते तुम्हारे, तुम्हारे समझ में आ रहा है क्या खाली फोटो लेने से? देखो भाई उनका डायग्राम्स बताओ कैसे बनाए।
हाथ से बनाए ना ये? जी सर। फोटो तो नहीं लिए? नहीं सर। समझ में आया आपको सारी चीज़? जी सर, सब समझ में। जी सर। कब रात में हॉस्टल में बनाए थे ये? जी सर। शूट में प्रैक्टिकल छुड़ा के तो नहीं बनाए? नहीं सर। हाँ, रात में बनाए ना ये? ठीक है, चलो। आप क्या नाम आपका? थोड़ा आप बताओ, थोड़ा सा बोल बात। कहाँ से आप? बैंगलोर से हूँ सर। बैंगलोर से थोड़ा बताओ आपका एक्सपीरियंस। पहले आईसी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, अभी माशाल्लाह पूरा मालूम हो गया कि इधर से इनपुट आना, किधर से आउटपुट जाना। पहले सिर्फ पेश डाल के हिट करते रहते थे सर, हम कुछ नहीं आता था। अभी माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस हो गया है सर। अभी तक क्या क्या सीख गए? अभी तक नेट ग्राफिक सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, रिंगर, स्मार्ट पीए, कॉयल, डेआउट का सभी हो गया सर। डायग्राम रीड करने आ रहा है? अभी आ रहा है सर। आईसी डाटा शीट बनाने बना लेते हैं सर। और अगर आईसी कोई ऑन फोन में काम करना है, डर तो नहीं लगता? नहीं 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 लगता सर। अभी और सीखना बहुत बाकी है, अभी तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं सर। ठीक है, कैसा रहा अभी तक का सफर? माशाल्लाह अच्छा था सर। बैंगलोर से आना चाहे क्या बोलना चाहेंगे? यारादरू बरो किधरे आरामागि बंदबिडि, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಏನೇನು ಸಿಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ठीक है, एक नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, एक लास्ट तुम बता दो महाराष्ट्र से। हाँ सर, बताओ थोड़ा आवाज करा, घर तक जाना तुम्हारे बताओ। मैं सोलापुर महाराष्ट्र से, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था. इधर आने के बाद आईसी रिवॉल्व कर ले रहा हूँ, अभी तो ब्लैक पेस्टेज भी कर ले रहा हूँ, बाकी पूरा एकदम परफेक्ट काम आ रहा है ऐसे लग रहा है. अभी तो 9 दिन हुए बस. 9 दिन में अभी इधर तो नहीं है, लेकिन हॉस्टल पर बना के रखा है. डायग्राम रीड करने आ रहा है? हाँ, डायग्राम वगैरह पूरा रीड करने आ रहा है, अच्छे से रीड करने आ रहा है. कभी पहले ऐसा डायग्राम वगैरह नहीं, अभी तक पहले कभी कुछ नहीं देखा था, ये चीज़ ही मालूम नहीं थी कुछ. अभी तो सीपीयू वगैरह कर ले रहे? हाँ, एकदम परफेक्ट हो रहा है. पहले कभी आईसी पे काम करते थे? नहीं, कभी नहीं, अभी तक तो नहीं किया था. यहाँ पे मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ, खाली आईसी तो नहीं करा रहे काम? नहीं नहीं नहीं, सब सिखा रहे. आईसी खोलो डालो नहीं, सारा काम करा रहे आपसे? हाँ सर. थोड़ा ये छोड़ना, अब बहुत जगह पे खाली आईसी चला के मोबाइल ऑन करा देते भाई, दूसरा ये सब काम नहीं कराते. नहीं. तो क्या आप काम कर सकते क्या? नहीं. बोलो भाई. नहीं. यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ, साथ में आप भी कर रहे हैं? हाँ, फिर रात में फेर बना रहे? हाँ, क्यों बना रहे रात में? ऑलरेडी डायग्राम में क्या सब कुछ नहीं है? क्या हार्डवेयर सोल्यूशन में सब कुछ है तकरीबन? है ये कभी अपन हार्डवेयर सोल्यूशन खोल के डेली पढ़ रहे क्या उससे? कहाँ से सीख रहे अपन? क्योंकि बोर्नियो वाला कल के दिन बंद कर दे या कोई डायग्राम नहीं मिले तो हम यहाँ से बना सकते कि नहीं बना सकते? एक तरीका खाली पर्टिकुलर एक मॉडल पे सीख रहे कि यूनिवर्सल तरीका सीख रहे? सारा कर सकते ना, खाली एक ही गाड़ी चलाएंगे ऐसा तो नहीं है. कोई भी डायग्राम खोल लो, सारे रीड कर सकते हैं? हाँ. अब आईसीबीए रिवॉल्विंग खाली एक ही मॉडल का कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है? कोई भी कर सकते हैं अपन. तो तरीका ही अपन ऐसा सीख रहे हैं कि सारा कर सके, है ना? तो ये पूरा इंडिया से है भाई? पूरे कहाँ से आप लोग? पूरे अलग इंडिया के देश से. थोड़ा एक बार थोड़ा सिटी पूछ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा आप बताओ कहाँ से? मैं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट बोधन मंडल. आप? बैंगलोर से. बैंगलोर. आप? आंध्रा सर. आंध्रा से. इधर दे दो. आप? कर्नाटक से. कर्नाटक. महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. ओडिशा से. ओडिशा. छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़. आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश. कर्नाटक. कर्नाटक. कोलकाता. कोलकाता. आंध्रा सर. आंध्रा. असम. असम. हैदराबाद. 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 तेलंगाना. वरंगल. वरंगल. महाराष्ट्र. बिहार. हो गया. तो यहाँ पे पूरा इंडिया बैठ के भाई, एक बार सबके लिए क्लैप्स कर दो जोरदार. मैं भी तेलंगाना इंडिया से हूँ. मैं कहाँ से? इंडिया से है ना सब लोग? ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट हमारा कंट्रोल सेक्शन भी देखेंगे. अभी तक समझ में आया आपको? हाँ. कैसा लग रहा क्लास? अच्छा लग रहा. समझ में आ रहा ना अभी? तो इतना डीपली सीखना है, कोई भी चीज़ सीखेंगे तब जाके रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, एक बार सबके लिए क्लैप्स कर दो भाई. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू भाई.